हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में TFS राइड पे। सो आज मेरे पास है हीरो डेस्टिनी 125 और इसका हम राइड एंड रिव्यू कर रहे हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो देखने के बाद बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के, एक बार फिर से स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल TFS राइड में। और अपनी जो व्हीकल है वो फाइनली हो गई है तैयार टेस्ट राइड के लिए, यानी कि हीरो डेस्टिनी 125। सो चलते हैं टेस्ट राइड पे। सो एज यूजुअल, हमेशा की तरह आपको लेफ्ट साइड का लीवर जो है वो प्रेस करना होता है स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए, और अभी इसको लेके चलेंगे। वेल यार, इस स्कूटर को चलाने के बाद इनिशियल लेवल पे जो हैंडल पे वाइब्रेशन थोड़ा सा मेरे को फील हो रहा है, बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझसे कभी छुपा नहीं रहता, यानी कि इसके बारे में मैं हमेशा ही कहीं ना कहीं और कभी ना कभी बातें ज़रूर करता हूँ, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी को फेस करनी होती है। तो जब से मैंने अपनी बाइक में वाइब्रेशन देखा ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ। तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो इनिशियल लेवल पे ही सिर्फ आपको दिखाई देगा, जैसे आपकी जो स्कूटर है वो चल रही है, तो अभी फाइनली इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, अभी बहुत स्मूथ है, यानी कि 40 की स्पीड पे ये जो स्कूटर है ये काफ़ी स्मूथ नज़र आ रही है, बहुत स्मूथ है। वेल अकॉर्डिंग टू 125cc में पावर भी काफ़ी अच्छा है। यस, सो अगर आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे इस टाइम पे, अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की बात करूँ तो स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटल नहीं है, एनालॉग है। साथ में छोटा सा एक स्क्रीन दी गई है, और जिसमें फ्यूल गेज की इंफॉर्मेशन, ट्रिप है, ओडोमीटर है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। वेल स्कूटर का जो लुक है ना वो बहुत क्लासिक है, और आई थिंक इसको एक फैमिली स्कूटर के नाम से हीरो मार्केट में रिप्रेजेंट करती है। और इसके में एक चीज़ जो है वो मुझे सबसे बेस्ट क्या लगी, इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है कि इस स्कूटर में कहीं भी फाइबर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वेल वो चीज़ें हम दिखाएंगे आपको जब कहीं पे स्कूटर खड़ा करता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा। वेल अभी देखेंगे इस स्कूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस। वैसे लिटरली बताऊँ, जो इसमें पिकअप है ना यार, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त पिकअप है। सो 110cc के स्कूटर्स आते थे, सो उसकी जगह पे अब ये 125cc आ रहा है। तो एक बार इसका टॉप एंड भी देखते हैं कि क्या टॉप एंड दे रही है ये। काफ़ी इजीली इसने 70 की स्पीड को टच कर लिया है। ओह वाओ, नाइस पिकअप, काफ़ी बेहतरीन है यार इस स्कूटर का। सो ये खाली रोड है और हम इस पर देखेंगे कि क्या इस पर हमें स्पीड मिल रही है। जैसा कि आपने देखा, लगभग 95-97 जो है काफ़ी ईजिली इसने टच कर लिया, मतलब काफ़ी ईजिली नहीं बोलेंगे, हाँ ये है कि 80 की जो स्पीड थी ना वो काफ़ी जल्दी इसने जो था वो टच कर लिया। वेल एक देखते हैं कि अभी 0-60 कितनी में ये कर रही है, 0-60। सो लेट्स टॉक। सो ये टोटल टाइम लग गया, मैं एक बार आप मीटर पे देख भी पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। बताऊं आपको कि स्कूटर काफ़ी बेहतरीन फील दे रहा है यार, लिटरली बहुत लाइट वेट, और हैंडलिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट स्कूटर है।
सो अब बात करेंगे हम इसके फीचर्स की। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे इस स्कूटर को सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप करना होगा। एक बार आप देखेंगे इस स्कूटर का पूरा लुक, देखने में काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरत, ब्लैक कलर और मैट ब्लैक है ये, और इसमें कहीं भी फाइबर नहीं आता है। इसमें जो भी बॉडी है इसकी मेटल की बॉडी है जो कि इसको एक प्रीमियम लुक देती है। डेस्टिनी 125 प्लेटिनम। और पीछे से अगर मैं इसके लुक की बात करूं तो इसमें एलईडी का यूज़ नहीं किया गया है, इसमें हैलोजन बल्ब ही यूज़ किए गए हैं। और बाकी ये जो स्कूटर है ओवरऑल बहुत खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो आगे में जो यहाँ पे चॉकलेटी कलर का जो इस्तेमाल किया गया ना, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रीमियम लुक देता है। साथ में इसके जो साइड मिरर हैं इस पे क्रोम को यूज़ किया गया है, तो क्रोम देखने में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल, यहाँ पर DRLs यूज़ किए गए हैं, फ्रंट में LED नहीं है, हेलोजन इसमें आता है और हेलोजन ही इसके इंडिकेटर हैं। क्रोम का वर्क इसमें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके साइड की बात करूँ, साइड पैनल की बात करूँ, तो इस पर भी क्रोम है। और इसका जो मफलर है इसके ऊपर भी क्रोम को यूज़ किया गया है। वेल, देखने में मफलर इसका काफ़ी बेहतरीन और ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ आपने अलग से लगाया हुआ है, बिल्कुल कम्प्लीट लगता है ये। सो ये इसकी काफ़ी खास बात है, काफ़ी अच्छी बात है। वेल, इसमें भी i3s टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। और साथ ही एक बार देखते हैं। सो मैंने ये स्कूटर स्टार्ट किया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये स्कूटर बंद हो गया। सो i3s टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और इसमें आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ इसको दबा के एक्सेलरेट करना है और ये जो स्कूटर है ये स्टार्ट हो जाएगा। सो i3s टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इसको जब भी आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो वहाँ पे आपके काम आता है। वेल, इसमें एक चीज़ है कि अगर ये स्कूटर कभी लेफ़्ट टर्न होता है, ठीक है, अगर 45 डिग्री के एंगल से ज़्यादा नीचे जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसमें इन सेंसर्स का यूज़ किया गया है। वेल, एक चीज़ इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं जो यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक हम कई बार हमसे ओपन रह जाता है बाई मिस्टेक, अगर मान लीजिए कि आप भूल गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे ये ओपन हो गया, ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं, अब मैं अगर इस स्कूटर को स्टार्ट करूंगा ना तो ये आपको एक पी का साउंड देगा। इट मींस कि इसका जो कैप है ये ओपन है। तो मैं जैसे इसको अभी बंद कर दूंगा तो उसके बाद में जो इस साउंड है ये आना बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस स्कूटर की। वेल, अभी देखते हैं सीट ओपन करके। और सीट में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको लगभग एक हेलमेट रखने जितना स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे आप जो चार्जर है वो दिया गया है, यहाँ पे एक बूट लैंप दिया गया है जो कि आप इसको ओपन करते हैं तो रात में आपको देखने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ में कुछ टूल्स एंड फर्स्ट एड किट इसके अंदर अवेलेबल है। और साथ में इसका जो ग्रैब ड्रिल है ये भी पीछे का इसको एलॉय फ्रेम से ये बनाया गया है। और इसके जो व्हील्स हैं, व्हील्स इसके आई थिंक 10 इंचेस के हैं, फ्रंट और बैक भी। और बाकी जो भी करेक्शंस होगा वो आपको मैं बता दूंगा अगर कुछ इसमें करेक्शन होता है। बाकी IBS टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ इसमें भी किया गया है, जो कि मैं हमेशा ही कहता हूँ। आगे में कॉम्बो ब्रेकिंग भी यूज़ की गई है, तो ब्रेक्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और IBS के बारे में आप जानते ही हैं कि जो ब्रेकिंग रेशियो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अगर आप फ्रंट की ब्रेक ले रहे हैं तो 60% पावर आगे लगेगा, 40% पीछे लगेगा। और अगर आप रियर ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं तो 60% पीछे जाता है और 40% जो है वो पावर जो है वो आगे यूज़ होती है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके जो आपका जो स्कूटर है वो कभी स्किट नहीं करेगा। इट मीन्स कि दोनों व्हील्स पे एक साथ ब्रेकिंग लग रही है, पहले ये वाली घटनाएं ज़्यादा होती थी। वेल, इसका जो एलॉय है ना वो भी देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है अगर आपको नज़र आ रहा हो। और इसमें MRF के जैपर टायर्स आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको
प्रोवाइड करते हैं। ये भी फ्यूल इंजेक्शन में आती है, और अभी तो आपको पता है कि हर एक स्कूटर जो है या फिर वो हर एक मोटरसाइकिल, चाहे वो 100cc की हो या फिर उससे ऊपर की, सभी में फ्यूल इंजेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन। आप 125cc के साथ में अगर जाना चाहते हैं तो आप इस स्कूटर के साथ जा सकते हैं। और बाकी अब चलते हैं अपनी राइड की तरफ। सो एक बार चलते हैं फिर से अपनी राइड की तरफ और स्कूटर को देते हैं आराम। यार इसके पिकअप्स हैं ना, लिटरली मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा पिकअप है इसका। एटी तो काफ़ी ईजली अचीव कर लेती है, एटी की स्पीड अचीव करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। और बात करेंगे इसके सॉकर्स की तो वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, काफ़ी कंफर्ट देते हैं आपको। आगे में अच्छा खासा स्पेस है, और एज़ यूज़ुअल सभी स्कूटर्स में फ्रंट में आपको कुछ ना कुछ सामान लटकाने के लिए होल्डर दिया जाता है, तो इसमें भी फ्रंट में एक होल्डर है और सीट के जस्ट नीचे की तरफ भी एक होल्डर दिया गया है। सो वो आप देख पाएंगे, मैं इस वीडियो में अभी जब रिव्यू कर रहा था तो उसको बताना भूल गया, बाकी आप देख सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं इसके स्विचेस की तो राइट साइड में i3s ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इंजन स्टार्ट करने का ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे लो बीम, हाई बीम और इसके अलावा पास दिया गया है। साथ में इंडिकेटर्स ऑन करने पे पी 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 का साउंड आपको नज़र आएगा, और सेम राइट साइड बीच में क्लिक करते हैं इसको तो इंडिकेटर्स बंद हो जाते हैं। हॉर्न काफ़ी अच्छा है इसका, बाकी जो मैंने अभी तक देखा है आई थिंक लाउड है। सो ऐसा लग रहा है मुझे कि हाँ भाई, आप कह सकते हैं कि हीरो की तरफ से, जो हीरो डेस्टिनी 125 है, ये हीरो की तरफ से एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर आप इसको बोल सकते हैं। बाकी इसमें सेंसर्स काफ़ी सारे यूज़ हुए हैं, और अब तो फ्यूल इंजेक्शन है तो डेफिनेटली सेंसर्स काफ़ी सारे आने लग गए हैं। वेल एक चीज़ कह सकते हैं, फन टू राइड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको राइड करके यार, सीरियसली। चलो इंडिकेटर दे देते हैं। सो लोग सुन रहे हैं अदरवाइज लोग सुनते ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है हमारे यहाँ की। सो अब चलेंगे शोरूम की तरफ और उसके बाद करेंगे अगले वीडियो को शूट। ओहो हो, कंफर्ट कंफर्ट, अपने को क्या चाहिए एक्चुअली में, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जब आप व्हीकल परचेज कर रहे होते हैं, आपको चाहिए होता है कंफर्ट, और ये कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, गद्देदार है सीरियसली, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना होने का एक बेनिफिट होता है कि आप अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं ना तो आपके बम्प में ज़्यादा दर्द नहीं होगा क्योंकि उसको आदत हो चुकी होती है। इस स्कूटर को परचेस करना चाहते हैं, इसकी टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं धन श्री हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम, जो कि नोएडा सेक्टर 63 में अवेलेबल है। डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके जस्ट स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, वहाँ पे फ़ोन मिलाइए, इसकी राइड बुक कीजिए और उसके बाद में इसको अपना बनाइए। वेल इसका प्राइस वगैरह सब कुछ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो हम रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, हम राइट साइड से लेंगे। सो लाइट भी इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हेलोजन है तो अब समझ में नहीं आता ना। अब एक्चुअली में समझ में आता है क्या कि जब आपके पास होती है। सो ये रही स्कूटर, और इसका जो सीट कंफर्ट है वो मैंने आपको बताया
कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है बट बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो ये आपको एक कंफर्ट राइड देता है अगर आप पर डे लगभग 100 से 150 किलोमीटर की राइड भी अगर इस पर करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वेल, ये था मेरी तरफ से इस स्कूटर का टेस्ट रिव्यू, और अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, इसकी टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो दिए गए पते पर आप फ़ोन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, दिए गए पते पर आप आके इसकी टेस्ट राइड ले सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये मेरी तरफ से इस बाइक को, इस स्कूटर को एक थंबनेल, एक थम्स अप।